कोई सियासत का चाणक्य कहता है तो कोई सियासत का जादूगर कहता है, कोई तो किसी की नज़र में वो सियासत के शाह है, लेकिन अमित शाह क्या है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर शायद ही कोई बता सके। बीजेपी आज जहां भी है, जितने भी मजबूत है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की रणनीति का अहम रोल है। इसलिए अमित शाह को बीजेपी नहीं बल्कि मोदी गवर्नमेंट का भी चाणक्य कहा जाता है। आज अमित शाह का जन्मदिन है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। रोशन करके किस्मत वो सूरज की तरह चमकते हैं, कितनी भी कठिन हो रहा मगर वो पीछे नहीं मुड़ते हैं। जो संगठन को साधने में माहिर है, अरे भाई आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना बोलने देते हैं आपको, अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। जिनका सियासी दांव पेच अचूक है, जिनकी रणनीति कभी फेल नहीं होती। मैं 130 करोड़ की जनता को याद कराना चाहता हूं, एक और करोड़ रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग। कोई उन्हें सियासत का चाणक्य कहता है तो कोई उन्हें सियासत का जादूगर मानता है, तो किसी की नजर में वो सियासत के शाह हैं। लेकिन अमित शाह क्या है वो प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर शायद ही कोई बता सके। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी धरती के संतान अमित भाई का आज बधाई देना चाहता। हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। बीजेपी आज जहां भी है, जितनी भी मजबूत है, उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और अमित शाह की रणनीति का अहम रोल है। तभी तो इन्हें बीजेपी ही नहीं मोदी गवर्नमेंट का भी चाणक्य कहा जाता है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अमित शाह जहां जाते हैं वहां जीत संभव हो जाती है, अमित शाह जहां जाते हैं वहां विजय हो जाती है। भारतीय राजनीति में अमित शाह एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो जीत की गारंटी लेता है, जिसके नाम दर्ज है 370 से लेकर अंग्रेजी कानून से आजादी दिलाने का कीर्तिमान, उस शख्सियत को कहते हैं अमित शाह, जो पीएम मोदी का भरोसा है, जो पीएम मोदी की उम्मीद है, जो पीएम मोदी का नजरिया है। हिंदुस्तान की सियासत में चाणक्य के तौर पर पहचाने जाने वाले पीएम मोदी के बेहद करीबी हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत में अमित शाह का कद जितना बड़ा है, उतना ही संघर्षों से भरा उनका सफर भी है। 22 अक्टूबर 1964 को एक गुजराती परिवार में जन्मे अमित भाई शाह 16 साल की उम्र में पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। राजनीतिक बैकग्राउंड न होते हुए भी अपनी कार्यकुशलता के दम पर महज 2 साल में ही अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुजरात इकाई के संयुक्त सचिव बन गए। इस दौरान 1986 में अमित शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई।
तभी से शुरू हुई दोस्ती का सिलसिला आज भी जारी है। साल 1997 में अमित शाह ने गुजरात के सरखेज सीट से नामांकन दाखिल किया। इस उपचुनाव में अमित शाह ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि आने वाले चुनाव में अमित शाह की जीत का अंतर प्रचंड होता चला गया। अमित शाह ने 2002 में पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने गुजरात सरकार के मंत्री के रूप में गृह यातायात, संसदीय कार्य, विधि और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। साल 2014 में हिंदुस्तान की सियासत बदलने वाली थी। दिल्ली में बीजेपी की बैठक चल रही थी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और मुद्दा था आखिर नरेंद्र मोदी चुनाव कहां से लड़ेंगे। जहां कई लोगों ने गुजरात और बिहार से नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाने का सुझाव दिया, वहीं एक सधी हुई आवाज ने नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। और वो आवाज थी वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह अच्छे तरीके से जानते थे कि उत्तर प्रदेश के जाति और धार्मिक चक्रव्यूह को भेदने के लिए नरेंद्र मोदी का वाराणसी जाना कितना जरूरी है। हर बूथ पर बीजेपी को मजबूत कर चुके शाह की दूरदर्शिता ही थी जिसने चुनावी हवा के रुख को पहले से ही भांप लिया था। तभी तो कई असहमतियों के बाद भी राजनीति के चाणक्य ने नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी सीट पर फाइनल मोहर लगवाई। 2014 के चुनाव में मोदी लहर थी, लेकिन इस लहर को सुनामी में बदलने का जो काम किया अमित शाह ने, एक एक सीट से जिताओ प्रत्याशियों का ऐसा किला तैयार किया जिसने बीजेपी के 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी ने रिकॉर्ड 283 सीटों पर जीत दर्ज की और बीजेपी गठबंधन ने 336 सीटों पर कब्जा किया। यही वो दौर था जिसने अमित शाह को राजनीति के चाणक्य के तौर पर स्थापित कर दिया। शतरंज के शौकीन अमित शाह को हमेशा से ही अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने में मजा आता है। अमित शाह के काम करने का तरीका उन्हें टिपिकल नेताओं से अलग करता है। 2014 में जीत दर्ज करने के साथ ही शाह 2019 की तैयारियों में जुट गए। इसी का नतीजा था कि 2019 में बीजेपी ने अकेले 303 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 का चुनाव जीतते ही जिस अंदाज में पार्टी मुख्यालय में अमित शाह का स्वागत किया गया था, उससे सभी को अंदाजा था कि अमित शाह पीएम मोदी के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उनके राजनीतिक सेनापति भी हैं। बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद उन तमाम मुद्दों पर काम करना शुरू किया जिसके चलते अक्सर विवाद बना रहता था, लेकिन वो मुद्दे बीजेपी के कोर एजेंडे में थे। अमित शाह ने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद कश्मीर की शांति पर काम शुरू किया। जम्मू कश्मीर से जुड़ी फाइल्स का अध्ययन करने, सलाहकारों की राय के बाद कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को निष्क्रिय किया गया। गृह मंत्री के फैसले से न सिर्फ कश्मीर विकास के रास्ते और शांति के पथ पर अग्रसर हुआ बल्कि पीओके के लिए भी आवाज बुलंद होने लगी। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया, वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने। साल 2024 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी। इस बार भी अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। अमित शाह की सफलता का सिलसिला अभी थमा नहीं है। वो कहते हैं पार्टी का सर्वश्रेष्ठ दौर
अभी आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।